जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त मनीष आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी का दिन शुभ और शुभ ही जाए। जो भी 12 राशियां हैं उन सभी जातकों के लिए आज का दिन या पूरा महीना या पूरा साल या पूरा जीवन मंगलमय बीते, कोई भी दुख आप सभी मित्रों के बीच में ना आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप अपने ही चैनल को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है, जितना लाइक मिलेगा उतना अच्छा होगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो की अधिक जानकारी और तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन आइकन बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। अब बात करते हैं दोस्तों मेष राशि की, तो मेष राशि के दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज आपको ऐसे मौके मिलने वाले हैं जो आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है, साथ ही साथ आपके लिए उन्नति के मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका भाग्य अंक 90% काम करता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज परेशानी से घिरा हुआ रह सकते हैं आप। परेशानियाँ आज आपको परेशान कर सकती हैं। आज पहले से कभी टैक्स जैसे मामलों में दोषी करार हो सकते हैं, इसलिए आज कोई एक समस्या खड़ी हो सकती है। आपको सरकारी विभाग से नोटिस आ सकता है, तो इसलिए आज आपका भाग्य अंक 50% रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज नई योजनाओं में आगे बढ़ने का समय है। नई योजनाओं को आज आप अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। आज आप अपनी गिनी चुनी चुनौतियों को ही स्वीकार करके आप अपने एक नई सोच के साथ आर्थिक के बड़े मामलों को भी सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का भाग्य अंक 90% रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो विदेश से कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। यदि आपने विदेश में कोई भी निवेश किया हुआ है तो आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज़रूरी सरकारी काम को टाल सकें तो टाल दीजिए, क्योंकि उसके लिए आज आपका दिन अच्छा नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज आपका भाग्य अंक 90% रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की, तो नौकरी के मामलों में शुभ समाचार मिल सकते हैं। बहुत दिन से चल रहे प्रयास आज आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। गर्व के साथ साथ आज आपको नौकरी की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से आज आप खुशहाल रहेंगे। आज आपका भाग्य अंक भी अच्छा रहेगा। भाग्य अंक आपका 90% तक का जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो अचानक से कहीं पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आर्थिक मामले आपके लिए बहुत अच्छे हुए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, परंतु आज आपके आसपास लोग बार पूरी सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के शब्दों को गलत ना समझें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य अंक आपका 90% रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए, तो अपने काम की प्रशंसा आपको मिलेगी। आज आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी, ज्ञान वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि आप अभिभावक हैं तो आपके बच्चों को आज एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। आज आपका भाग्य अंक 90% रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मुनाफा देने वाला दिन है। अगर कोई शादी की बातचीत चल रही है तो आज उसको सफलता होती भी दिखाई दे रही है। यदि रेट आप फाइनल करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। नया घर भी खरीद सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुधरती भी दिख रही है। भाग्य अंक आपका 90% रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के मित्रों के लिए आज आर्थिक मामलों में संभावनाएं हैं कि सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपको कई प्रस्ताव आएंगे जिसके बीच आप कठिनाई की नौबत आ सकती है कि कौन सा हम प्रस्ताव स्वीकार करें और कौन सा नहीं। तो प्यारे मित्रों, आपको भगवान का नाम लेकर कोई भी एक प्रस्ताव को अगर आप पार करेंगे तो उसमें सफल पाएंगे। 90% भाग्य अंक। मकर राशि के लिए खुद पर काबू रखें दोस्तों, अन्यथा आपको आज बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लिए गए आपको बाद में चलकर पछतावा होगा। इसलिए कोई भी निर्णय को लेने से पहले 10 बार अवश्य सोच लें। मेरे प्यारे मित्रों, भाग्य अंक आपका आज यहां पर 60% ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आज कई तरीके की परेशानी आ सकती है। आज आपके दिन में तरक्की के साथ साथ थोड़ी सी दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी।
आज गलतफहमियों को कैसे दूर करना है, साझेदारियों के बीच में आपको कठिनाई महसूस होती भी दिखाई देगी। आज भाग अंक भी आपका कम है, 50% काम करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, संभल कर कार्य कीजिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज नई नौकरी मिलने की संभावना है। कैरियर में कुछ वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है तथा कैरियर के लिए समय शुभ है। पिछले कुछ समय से आपके कैरियर के बारे में शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा थी, तो अब आपका वो समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और पदोन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी मिल सकती है, आपको इंतजार करना चाहिए बस थोड़े से समय का। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का भाग्य अंक भी अच्छा आ रहा है और भाग्य अंक आपका रहेगा 90 से 92% तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।